हे एवरीवन, कैसे हो सारे सारे? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। और बहुत दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ थोड़ा उथल पुथल हो चुका है हमारा, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो रेगुलर वीडियो तो नहीं आ पाएगा जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। मैंने ट्राई भी करा था पर नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं अपने रूम पर हूँ और दादी मेरी आई हुई है यहाँ पे मेरे रूम पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, क्योंकि दादी का इलाज चल रहा है, क्योंकि उनका एक जो हाथ है वो थोड़ा सा पैरालाइज हो चुका है। तो एक डॉक्टर है यहाँ पे बहुत फेमस है, तो उसी के यहाँ से उनका इलाज चल रहा है। और दादी यहाँ पे पिछले मंथ 24 या 27 तारीख को यहाँ आई थी। तो मैंने सोचा व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब चल रहा था क्योंकि दादी का तबीयत भी खराब था, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और लगातार कुछ ना कुछ बहुत से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ऑफिस में, तो इसलिए भी ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो आज संडे है और दादी को चेकअप के लिए ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि आज दादी को घर भी ले जाएंगे और डॉक्टर 7 दिन या 10 दिन पे बुलाता है, तो अब घर से अप डाउन करेंगे। मतलब जब डेट होगा डॉक्टर बुलाएगा जिस दिन, उस दिन घर जाके फिर दादी को लाएंगे और चेकअप करवा करके फिर रिटर्न घर पहुँचा देंगे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ से रूम पर से डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए हम लोग 9 बजे आए थे निकल जाएंगे, 9:30 तक यहाँ से 9:30 तक जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, और वहाँ से फिर दादी का जो चेकअप होगा वो होगा। उसके बाद वहाँ से एक बगल में स्टेशन है देसरी स्टेशन, वहाँ से हाजीपुर का अगर ट्रेन मिल जाता है तो ट्रेन से चले जाएँगे, अगर नहीं मिला तो उड़गाड़ी जो है उससे चले जाएँगे, क्योंकि ट्रेन से ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है जाना आना। और थोड़ा सा रोड गाड़ी से प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होता है ट्रेन के मुकाबले। ट्रेन में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता हूँ मैं, तो स्पेशली कंफर्टेबल फील होता हूँ। तो देखते हैं कैसा सीन रहता है। तो आप लोग ऐसे ही हमारा ब्लॉग देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। A few moments later. Hey everyone, अभी मैं हो चुका हूँ जाने के लिए रेडी और हमारा जो बैग है वो भी रेडी है, कि दादी को घर पे ड्रॉप करना है वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से दिखाने के बाद। तो जो सामान वान है मैंने पैक कर लिया है और यहाँ से हम और दादी जाएंगे रोड पे, बगल में ही है, वहाँ से कोई ऑटो टैक्सी कुछ भी पकड़ेंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे चेकअप करवाएंगे, उसके बाद ट्रेन का टिकट देखेंगे, अगर हो जाएगा तो ट्रेन से जाएंगे, अगर नहीं हो पाया तो बस या टेम्पो पकड़ लेंगे, ऑटो पकड़ लेंगे, उससे जाएंगे। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बस और ऑटो से ट्रेन के मुकाबले। अगर ट्रेन से गए तो वीडियो आप लोगों को फुल देखने को मिलेगा, अगर नहीं गए तो ऑटो में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीडियो, तो नहीं बना पाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आप लोग वीडियो को इंजॉय कीजिए। रोड पे आए हुए हैं और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा बहुत देर से। इधर दादी खड़े खड़े इंतज़ार कर रही है गाड़ी का। A few moments later. अभी हम लोग देसरी स्टेशन पहुंच चुके हैं और वहाँ डॉक्टर साहब के पास ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ नहीं था, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डेली कम से कम उनके पास तो 100-150 मरीज आते ही होंगे, पर आज जल्दी हो गया तो हम लोग यहाँ से जल्दी निकल गए, यहाँ से टिकट लेंगे और हाजीपुर चले जाएंगे।
ये दादी का ये वाला हाथ में पैरालिसिस है, देखो रुई गिर गया। यहाँ पे सुई पड़ा था ना दादी, यहाँ पे ये वाला हाथ में प्रॉब्लम है, बायां हाथ में बहुत ज़्यादा दुखा रहा था दादी, बहुत ज़्यादा दुखा रहा था दादी बोले बहुत ज़्यादा दुखा रहा था सच में बहुत ज़्यादा बड़ा सुई था है ना। अभी ये प्लेटफॉर्म पूरा तरह से बना नहीं है, शायद बन ही रहा है क्योंकि पानी पीने का कोई उपाय नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक कोई नल नहीं है, पानी पीने का कोई साधन नहीं, बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ था। तो एक दूर एक कल दिखा हैंडपम्प, तो उसमें पानी पिए और ये अभी बिखरा पड़ा है, शायद बन रहा है अभी। हम लोग टाइम से बहुत पहले पहुंच गए और आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, अब आएगा ट्रेन, अब आएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी एक ट्रेन क्रॉस करेगा, उसके बाद हम लोगों का ट्रेन आएगा, फिर हम लोग बैठ के वहाँ पहुँचेंगे। दादी को उस समय से हम अपना ब्लॉग दिखा रहे थे, कैसा लगा दादी वीडियो? दादी बोल रही है ठीक है, दादी भी थी चली है। बलिया से सियालदह ट्रेन आ चुका है और इसके बाद हमारा ट्रेन आएगा। सियालदह एक्सप्रेस है ये। One hour later. हमारा जो ट्रेन है बहुत ज़्यादा डिले है, तो मंदिर है उसको दादी को घुमा देते हैं, वो मंदिर में इतना ज़्यादा ट्रेन डिले है कि क्या बताऊँ। दो ट्रेन पास हो चुका और जो टाइमिंग था 1:30 बजे ट्रेन आने वाला था, अब वो ट्रेन 3 बजे आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो सोचे थे कि ट्रेन से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ तो और लेट हो गया, देखते हैं क्या होता है। फाइनली बहुत देर बाद अब ट्रेन आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा लेट ट्रेन आ रहा है, मतलब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और इस पे और ट्रेन पहले ट्रेन पकड़ लेते, उसके बाद फिर आप लोगों से बाकी बातें करते हैं। तो फाइनली बहुत देर बाद ट्रेन स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं ट्रेन अब चल पड़ा है। आई थिंक हम लोग आधे घंटे में हाजीपुर पहुंच जाएंगे। दादी का तो बुरा हाल हो गया था, मतलब वेट करते करते हमको तो थोड़ा सा भूख भी लग गया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली हम लोग हाजीपुर स्टेशन पे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं हाजीपुर स्टेशन, दादी ये इधर। अब हम लोग घर जाने वाला जो ऑटो होता है वो पकड़ेंगे और घर दादी को पहुंचा के ड्रॉप करके, अगर टाइम बचेगा तो आज ही लौट जाएंगे, अगर नहीं बचा तो फिर सोचा जाएगा जैसे होता, लेकिन मुझे लौटना है आज, क्योंकि कल सुबह, मतलब सुबह मेरे को ट्रैवल करना पसंद नहीं है, क्योंकि नींद बहुत प्यारा है मुझको। तो हे एवरीवन, पहुंच चुके हैं फाइनली घर, और यहाँ से आई थिंक 1/2 घंटा लगेगा, और दादी को ड्रॉप करके फिर मैं अभी लौट जाऊंगा, क्योंकि अगर अभी नहीं लौटे तो सुबह में लेट हो जाएगा ऑफ़िस, और ऑफ़िस छूट जाएगा क्योंकि गाड़ी नहीं मिलता है सुबह मॉर्निंग में, तो इसलिए अभी लौट जाएंगे। ये जो आप लोग रोड देख रहे हो ये नया बना है, पहले बहुत ही मतलब बदतर हाल था, और ये रोड इसलिए बना है क्योंकि आगे रेलवे का जो हॉल्ट है वो है, तो इसलिए इस रोड को बना दिया गया, नहीं तो मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे जन्म से पहले से ही रोड पूरा ख़राब था, उसके बाद कभी बना ही नहीं, पहली बार ये रोड ऐसा है दिख रहा है। पीछे का जो व्यू है काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, जो सन है लाइट है पीछे से बैक में वो एकदम मस्त लग रहा है देखने में, अगर कैमरा होता तो फ़ोटोशूट भी कर लिया जाता क्योंकि बहुत मस्त बैकग्राउंड पीछे का लग रहा है, लाइटिंग बहुत अच्छा आ रहा है बैक से। और ये वीडियो यहीं तक रहा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को दिल से ढेर सारा थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।